हाय गाइस, इट्स आई साक्षी संजल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं जा रही हूँ अपने नए सफ़र के लिए। हालांकि मैं जहाँ जा रही हूँ मैं उस जगह को कई बार कवर कर चुकी हूँ, बट नॉट एवरी पार्ट ऑफ दैट प्लेस। और सबसे अच्छी न्यूज़ कि मेरी गाड़ी का बोनेट सही हो गया, गाड़ी एकदम न्यू सी लग रही है मुझे फ़िलहाल। सो मैं लूँगी रास्ता ईस्टर्न पैराफिल से वेस्टर्न पैराफिल का, तो आप गेस कर सकते हो मैं कहाँ जा रही हूँ। एंड लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू जर्नी फ्रॉम टुडे विद माई कार। आई एम सो हैप्पी यू आर बैक माई कार, आई लव यू सो मच। एंड तुम्हें मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। लेट्स गो। सो बैक टू द व्लॉग। मैं चढ़ चुकी हूँ ईस्टर्न पैराफेरल पे। ईस्टर्न पैराफेरल से कनेक्ट होंगी अब वेस्टर्न पैराफेरल। ये रोड इतनी प्यारी है ना कि गाड़ी मतलब कहीं रुकती नहीं है सिवाय टोल टैक्स के। Welcome to the Western Peripheral Expressway. So finally यहाँ पर रुके हूँ सबे खाने। सुबह से अब कुछ खाऊंगी, trust me. And I am hungry. सुबह से मुझे पता है सबसे अच्छा क्या लगता है, मुझे सबसे बेस्ट लगता है आलू है पैटी। मुझे पनीर टिक्का चाहिए, 6 inch कर देना। बस ब्रेड के ऑप्शन बहुत लेस है और मुझे बहुत दूर पड़ा है यार, मुझे यू टर्न मारना पड़ा इस जगह के लिए। वही कहा ना पब्लिक प्लेस में ब्लॉग बनाना थोड़ा सा ऑफर लगता है। आप चीज़ भी ऐड कर देना, ऑलिव्स एक्स्ट्रा। ऑलिव्स तो मेरे को प्यार है। सो फाइनली आई वॉज हेयर। कौन सी जगह है, होटल्स हाईवे किंग। सो दिस टाइम टू लीव फॉर जयपुर, अब मुझे यू टर्न ढूंढना पड़ेगा। और ये जयपुर एंटर करते हुए फाइनली जयपुर में घुस चुकी हूँ। ये सामने से आप छोटा सा एक वो देख रहे हैं ना स्क्रैच, ये एक गाड़ी बहुत सारे स्टेपिंग स्टोन्स गिरा रही थी। मेरी गाड़ी दूर थी पर बच नहीं सकी, तो छोटा सा स्क्रैच आ गया। इट मतलब लिटरली मैं दिल दुख रहा है कि फिर से अभी मेरी गाड़ी ठीक होकर आई थी और एक नई चीज़ आ गई इसके ऊपर। किसकी नज़र लगेगी मेरी गाड़ी पर। सो खैर मैं अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने वाली हूँ 15 मिनट के अंदर, फटाफट पहुंचते हैं। डायल से कितना ज़्यादा हुआ है। थैंक यू, ये होटल तो बहुत प्यारा है आपका। ये आपका जयपुरी कल्चर पे बना हुआ है पूरा, ये बहुत स्मार्ट है आपका होटल। सेल्फी तो नहीं मैं वीडियो बनाऊंगी। सो दैट्स द ब्रेकफास्ट एरिया, चेक इट आउट, इज़न्ट इट अमेजिंग। एंड लेट्स गो, हमें लिफ्ट से जाना है ना, राइट? सो दैट्स अ रूम एक्चुअली गाइस, एंड दिस इज द लेवेंट्री ओवर हियर। और उसके अलावा दैट्स द बेड, दैट्स द सोफा, एंड हियर यू द गो। इसका व्यू नॉर्मल है, यहाँ से लेगेसी होटल दिख रहा है। गाड़ी फ्रंट साइड पार्क है मेरी। एंड लेट्स जस्ट शिफ्ट टू द एरिया जहाँ पे वॉशरूम है। सो दैट्स जी पूल गाइस, चेक आउट द पूल। एंड यू नो मतलब कल पूल डे है एंड पूल रात भर ओपन रहता है। ये कितने बजे तक? 7 बजे तक। लुक एट दिस, दिस इज़ द ऑल द सिटिंग एरिया। मौसम इतना प्यारा है इस वक्त यार जयपुर में, उस सेट मौसम प्यारा नहीं है। दैट्स अ जिम ओवर देयर, सो दैट्स अ चेंजिंग रूम। अब नंगे पैर घूम रही हूँ, तब लगी की कर ली मैंने अपनी। Somebody is excited about the exercise like me. I can do exercise यहाँ पे exactly. So that's for the lunch and ये है पुलाव। Okay, the पुलाव is like पुलाव only, बहुत मतलब सारा पुलाव लग रहा है। ये मट्ठी है और इसमें कर्ड होगा पोस्ट पक्का श्योरिटी है। So let's start with the, और इसमें some coffee.
मदर को जो चाहिए था वो मिल गया। मैं कैसे मदर सो गई थी बिकॉज आई वॉज प्रीटी एग्जॉस्टेड ड्राइविंग के बाद। कितना अच्छा लगता है ना सोलो ट्रैवलिंग में। अब मैं जा रही हूँ एक बहुत सुंदर जगह, रात का व्यू वहाँ का सबसे फेमस है एंड आई एम गोइंग देयर फॉर अ डिनर, मतलब डिनर कह रही हूँ, आई एम गोइंग देयर फॉर द डिनर। वो जगह यहाँ से कम 20-25 मिनट दूर है, सो लेट्स जस्ट गेट रेडी। सो गाइस मैं आ गई हूँ दुकान पे, उनके पास जूतियाँ हैं। किसको चाहिए? खैर आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय एनी जूती क्योंकि मैं जूतियाँ बहुत गंदी कर देती हूँ, बट विल सी। चप्पल्स स्लीपर भी है आपके साइज में? किस रेंज में है आपके पास ये? हमारे पास 350-250। भैया तो 100 रुपये में कह रहे थे। 100 रुपये में है ना? अगर आप 100 रुपये में दे रहे हो तो मैं तो अभी ले जाऊंगी, सच बता रही हूँ। 100 रुपये का ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहते 100 रुपये में है, पता है। ये वाले प्यारे हैं, ये दिखाना। ये दिखाना। भैया देख लो मैं आपके पास आ जाऊंगी। जिसका व्यू जो है वो हवा महल का है, बहुत ऊपर चढ़ के आना पड़ता है इसके लिए, दैट इज आमिर। एंड अभी पूरी लाइट्स बंद हो चुकी है। आमिर ही है ना वो? नारगढ़ वो है। आमिर कहाँ से? उसके नीचे। ओके दैट इज नारगढ़ एक्चुअली एंड हम उसके नीचे। ओके सी यहाँ से लाइट जाती है, थोड़ी देर में 10 बजे तक ये लाइट बंद हो जाएंगी क्योंकि यहाँ की हो गई है 9 बजे, 9:30 के आसपास, जस्ट 9 बजे के आसपास तो ये वाली भी हो जाएंगी थोड़ी देर में। जयपुर गर्म नहीं है, cool. अभी भी यहाँ खड़े हुए अच्छा फील हो रहा है। सो इट्स टाइम फॉर द पास्ता गाइस। मैंने पास्ता ऑर्डर करा आज, इन्होंने शायद ब्रोकली कम डाली बट अंदर हाथ डाल के पता चलेगा। ये रही एक ब्रोकली और ये रहा मेरा फेवरेट ब्लैक ऑलिव, एंड इन्होंने दोनों स्पेगेटी और वो दोनों यूज करे हैं एंड विद अमेजिंग व्यू आई एम टेलिंग यू। So it's gonna be a fabulous pasta. Awesome. Little disappointed with the bread. I was expecting garlic bread hogi pasta. But yahan ka menu bahut yum hai. Even if you try the spring roll as well now. So this is actually really yum, guys. I know this guy personally, Dinesh Mohan. Dinesh Mohan ji yahan do baar aa chuke hain. Ha, he's a real life friend. I'll come in the morning for the photography yahan pe na. So guys, let's leave from here. It's time to say goodbye to this place, not to you abhi. So guys, मैंने गाड़ी बिल्कुल सामने लगाई है हवा महल के। ये सारा ओल्ड प्लेस है यहाँ का एंड पता है ये सारी गवर्नमेंट की दुकानें हैं एंड देर आर वेरी लाइक यू नो बजटेड, मतलब इनका रेट रेंट होता है अगर आप यहाँ पे देखते हो, बट कहते हैं यहाँ पे मिलना बहुत नामुमकिन है, मुश्किल भी नहीं। सो बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा उसके लिए। 9:30 बजे लाइट बंद हो गई।
व्हीकल्स भी आते हैं यहाँ के लोकेशन को लेने के लिए।